अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। सो रेजोल्यूशन चैप्टर है, क्वेश्चन 31 कहता है व्हाट जर्नल एंट्रीज वुड बी पास्ड फॉर फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी आप रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स को अदर देन कैश को ट्रांसफर कर चुके हैं, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं। इसके बाद जो केसेस दिए हैं उनमें क्या क्या एंट्रीज की क्या जाएंगी, क्या क्या डिसोल्यूशन के टाइम पर जर्नल एंट्रीज होंगी, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो पहला ट्रांजेक्शन उन्होंने बोला है बैंक लोन ऑफ 15,000 इज पेड। आप बैंक लोन 15,000 का आपको पेमेंट करने हैं, इसकी जर्नल एंट्री बताइए। हम जर्नल करते हैं इसके लिए। ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है, ठीक है। तो अब रियलाइजेशन अकाउंट में जैसे ही बैंक लोन ट्रांसफर हुआ, बैंक लोन तो खत्म हो गया। अब अगर हम पेमेंट करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक लोन की जगह कौन सा नाम आ जाएगा, रियलाइजेशन, ठीक है। तो पेमेंट करनी है तो अकाउंट डेबिट हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने पेमेंट कर दी, कितने रुपए की पेमेंट की, 15,000 की हमने पेमेंट की है। चलिए जी, इसकी नरेशन लिख लीजिए। बीइंग बैंक लोन पेड, ठीक है। चलिए सेकेंड ट्रांजेक्शन पर आए हम लोग, तो सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है ये देखें। स्टॉक वर्थ ₹10,000 इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर ए फॉर ₹8,000। हमारा एक पार्टनर है, उसने स्टॉक ले लिया, ठीक है। बिजनेस का स्टॉक था, डिसोल्यूशन हो रहा है, वो कहता है स्टॉक मुझे दे दीजिए आप, तो हमने उसे स्टॉक दे दिया। अब आपको पता है स्टॉक अकाउंट भी जैसे ही हमने उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया स्टॉक को, वो भी उसका अकाउंट का नाम खत्म हो गया और उसकी जगह पर अब नाम किसका है, रियलाइजेशन अकाउंट का है। तो अब पार्टनर अगर स्टॉक को लेता है तो क्या एंट्री करेंगे, स्टॉक की जगह नाम किसका आएगा, रियलाइजेशन का। तो पार्टनर ने स्टॉक को लिया तो पार्टनर का अकाउंट तो क्या हो गया, डेबिट हो गया। और क्रेडिट क्या होगा करस्पॉन्डिंग में आपके पास, स्टॉक अकाउंट की जगह पर रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए जी, अमाउंट कितने में, जितने में लिया है उतने में होगा, कितना, ₹8,000 में लिया है तो ₹8,000 से आ गया अमाउंट। इसके बाद चलते हैं हम लोग एंट्री नंबर थर्ड पर। ट्रांजेक्शन थर्ड क्या है देखें, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंट्स टू ₹1,200 एंड वर पेड बाय पार्टनर ए। डिसोल्यूशन के खर्चे तो फर्म के खर्चे हैं, फर्म का नुकसान है, बट पेमेंट किसने कर दी इसकी, पेमेंट कर दी ए ने, ठीक है। हमने पेमेंट नहीं की, समझ गए, तो हमने पेमेंट नहीं की तो हमारा बैंक तो कम नहीं हुआ, पार्टनर ने पेमेंट की है हमारे बिहाफ पर, तो खर्चा तो बिजनेस का ही है। तो खर्चा जब हुआ है तो खर्चा कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। कोई भी नया अकाउंट नहीं क्रिएट करेंगे डिसोल्यूशन के समय, सारे अकाउंट्स का एडजस्टमेंट किससे होगा, डिसोल्यूशन अकाउंट, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट से कर लेंगे। हाँ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश चलते रहेंगे साथ साथ में। सो खर्चा हुआ है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि खर्चा हुआ है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, फिलहाल एक्सपेंस वगैरह सब यही बिहेव कर रहा है, ठीक है, टू पार्टनर, क्योंकि ए ने अपनी जेब से पैसा दिया है तो हम कहते हैं हम आपको दे देंगे, तो इसलिए हमने उसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया ₹1,200 से, ठीक है जी। और नरेशन, अच्छा ऊपर वाले में नरेशन नहीं लिखा मैंने, बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय ए, और यहां क्या है, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय ए, ठीक है। चलिए जी, अब आते हैं फोर्थ एंट्री पर। फोर्थ एंट्री में क्या कहता है देखिए, अ टाइपराइटर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट वाज सोल्ड फॉर 2,000। कंप्लीटली रिटर्न ऑफ है यानी बुक्स में उसकी वैल्यू जीरो है, अब आपने बेचा है उसे, तो ये कह सकते हैं एक अनरिकॉर्डेड एसेट है आपके पास, ठीक है, जिसकी बुक्स में एंट्री नहीं हो रखी है, बुक से खत्म किया जा चुका है, तो अब एंट्री नहीं है उसकी, ठीक है, उसका कोई बैलेंस नहीं है, उसे आपने बेचा है 2,000 में, तो ये आपका फायदा ही हुआ, ठीक है। तो फायदा हुआ तो रिलेशन इस बार क्या होगा, क्रेडिट होगा, और पैसा आया तो बैंक डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना है, 2,000 में बेचा है,
₹2000 हमारे पास आ गए हैं। चलिए नरेशन क्या होगा, बीइंग ओल्ड टाइपराइटर, टाइपराइटर ही लिख देता हूं, चलो पूरा टाइपराइटर सोल्ड, ठीक है। एंड ये जरूर ध्यान रखिएगा, आप लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं, इसकी ये बुक्स में जीरो वैल्यू पर है, इसकी बुक्स में कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट पर, कहता है लॉस ऑन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन पर लॉस हुआ है 12600 का, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होना है ए एंड बी में इन रेशियो 4:3। तो फोर्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री पर आते हैं हम लोग, लॉस हुआ है। अब लॉस को पार्टनर को देना है तो पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट होंगे, नुकसान हुआ है ना, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कम करना है, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट जब कम होते हैं या कैपिटल अकाउंट जब कम होता है, रिड्यूस होता है, तो डेबिट करते हैं। तो पार्टनर हमारे पास ए एंड बी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू लॉस है, रियलाइजेशन से ट्रांसफर किया जा रहा है, तो रियलाइजेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि रियलाइजेशन में लॉस डेबिट बैलेंस पड़ा था, खत्म करने के लिए क्रेडिट किया 12600। अब इस 12600 के अमाउंट को आपने क्या करना है, 4:3 में आपने पार्टनर्स में बांटना है। तो 12600 को आप एक काम कीजिए, जरा 7 से डिवाइड कीजिए और मुझे बताइए कितना आएगा 12600 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं, जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, कितना आ जाएगा 12600 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो, कितना बता रहे हैं, 1800 रुपए, 18000 बोल रहा हूँ, 1800 रुपए आ गया, ठीक है जी। तो 1800 हमारा एक हिस्सा आया, ये तो है ना। तो अब 1800 को आप एक काम कीजिए, जरा 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 × 2 = 36, 36 × 2 = 72, तो मेरे ख्याल से 7200 आएगा, 7200 यानी 7200 ये आ गया। अच्छा 18 × 3 कितना होता है, 18 × 3 = 54 यानी 5400 ये आ गया। ये आपने क्या लिया, बीइंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। चलिए जी, तो ये हमारी सारी ट्रांजैक्शंस जो थी इनकी हमने जर्नल एंट्री कर ली है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप इसे कोई डाउट वगैरह क्वेरी हो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को तो यूट्यूब पे आप कमेंट कॉलम में पूछ लीजिएगा, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स मुझसे अभी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, आप हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर अकाउंटेंसी क्लासेस। आप अगर हमें हमारी वीडियोस को देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारी वीडियोस में हम जो आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप हमारी वीडियोस को यूट्यूब पर देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम यूट्यूब पर भी एसआर अकाउंटेंसी क्लासेस ही है, और अगर आप चाहें हमें फेसबुक पर फाइंड करना तो फेसबुक पर भी एसआर अकाउंटेंसी क्लासेस के नाम से आप हमें सर्च कर सकते हैं। तो दो चीजें मैंने आपको बताई, आप हमारी वीडियोस को यूट्यूब पर देख सकते हैं एसआर अकाउंटेंसी क्लासेस के नाम से, और आप चाहें अगर फेसबुक पर सर्च करना तो फेसबुक पर भी इसी नाम से हमारी वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। इसके बाद मुझे इंफॉर्मेशन जो बतानी है आपको, नंबर वन इज अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज आती हैं, सपोज हमने कोई कॉन्सेप्ट समझाया आपको या कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया, उसमें अगर आपको कोई डाउट है क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर जब वीडियोस देखते हैं आप, नीचे कमेंट कॉलम आता है, उस कमेंट कॉलम में आप अपने कमेंट डाल सकते हैं मुझे अपने डाउट्स और क्वेरीज के रिलेशन में, मैं श्योरली आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आप हमें कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए आपको अपना नंबर दे देता हूं, दिस इज 9261004×7, ठीक है। आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करना चाहें तो उसके लिए भी यही नंबर है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और है आप लोगों के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हम अपलोड करते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपको उसका एक नोटिफिकेशन आ जाता है, एक अलर्ट आ जाता है, यानी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बार बार आपको नए वीडियोस के लिए टाइम नहीं लगाना पड़ेगा कि हमने कोई नया वीडियो डाला है या नहीं डाला यूट्यूब पर, आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक अलर्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और चीज मुझे बतानी है आप लोगों को, दैट इज प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट हमने इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए मैंने रखा है, प्लेलिस्ट क्या है, देखिए जब हमारी वीडियोस को आप देखते हैं यूट्यूब पर, तो वहां पर वीडियोस जब आप डायरेक्टली चैनल पर जाते हैं तो वीडियोस एक रैंडम ऑर्डर में मिलती हैं,
कोई अरेंज्ड ऑर्डर में नहीं है। अगर आपको क्लास 11th के लिए वीडियोस देखने हैं या 12th के लिए वीडियोस देखने हैं, 12th में भी चैप्टर वाइज वीडियोस देखने हैं, तो ऐसे वीडियोस आपको नहीं मिलते चैनल पर। तो आप क्या कीजिए, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर आइए, ठीक है, और प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज क्लास वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा वहां पर, ठीक है। तो आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए प्लेलिस्ट में एक सीक्वेंस में मिलेगा, ऑर्डर लीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, एंड सो ऑन, एक सीक्वेंस में क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आप हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। थैंक यू।